आपने सौर मंडल को काफी सारी वीडियो में देखा होगा, पर आपने सौर मंडल को कभी 250 मिलियन किलोमीटर दूर से देखा है? नहीं देखा ना। अगर देखना चाहते हैं तो ऑब्वियसली वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। नमस्ते भारतवासियों, मेरा नाम है दर्शन और सबसे पहले दी एवरीवन हियर चैनल में आपके और आपका परिवार का स्वागत है। तो अपनी अक्का नाक और सभी इंद्रों को काबू में रख इस वीडियो में चिपक जाए और बिना टाइम की कवाली ना करते चलो वीडियो की बकचोदी को स्टार्ट करते हैं। सौर मंडल की 250 मिलियन किलोमीटर दूर की तस्वीर को खींचने के लिए नासा, यूरोपीय स्पेस एजेंसी और सोलर ऑर्बिटर की तीनों के संयुक्त के कारण इस तस्वीर को खींचा गया है। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने मिलकर ये तस्वीर को सूर्य के आसपास के क्षेत्र यानी कि सौर मंडल से 250 मिलियन किलोमीटर दूर से फोटो खींचा। इस तस्वीर में हमारे सौर मंडल के सारे ग्रह यानी कि अर्थ, वेनुस, मार्स, जुपिटर सभी ग्रह आपको बहुत अच्छे तरीके से यानी कि छोटे छोटे तारों की तरह दिख रहे होंगे। तस्वीर तो आपने देख ली, पर ये संभव कैसे हुआ कि सौर मंडल की 250 किलोमीटर दूर से फोटो खींचे? नासा का पार्कर सोलर प्रोब और सोलर ऑर्बिटर ने मिलकर सूर्य के नजीक एरिया में 250 मिलियन किलोमीटर दूर से ये छवि को कैप्चर किया गया। अगर आप पार्कर सोलर प्रोब के बारे में नहीं जानते तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी इसकी वीडियो बनी हुई है। इस वीडियो के आई बटन पे क्लिक करो या नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कहीं दी गई होगी उस पे जाओ और वीडियो देखो। इस तस्वीर का श्रेय तीन अलग अलग और मिशन ही नासा के पार्कर सोलर प्रोब, नासा के सोलर एंड टेरेस्ट्रियल रिलेशंस ऑब्जर्वेटरी और यूरोपियन स्पेस एजेंसी और नासा के सोलर ऑर्बिटर को जाता है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी और नासा के सोलर ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट पर सवार ऑर्बिटियर हेलियोस्फेरिक इमेजर ने 18 नवंबर 2020 को शुक्र, पृथ्वी और मंगल ग्रह की तस्वीरें ली थी। हेलियोस्फेरिक इमेजर सोलर हवा की छवियों को खींचता है। सूर्य द्वारा लगातार काफी सारे कणों की धारा बाहरी रूप से सूर्य में छोड़ी जाती है। अंतरिक्ष में इलेक्ट्रॉनों द्वारा बिखरे प्रकाश को कैप्चर करके यह फोटो को खींचा गया। ESA ने सोलर ऑर्बिटर द्वारा इंस्टाग्राम पर ली गई एक तस्वीर पोस्ट करते हुए कहा, सौर ऑर्बिटर अब तक की सबसे जटिल वैज्ञानिक प्रयोगशाला है जो किसी भी अंतरिक्ष यान से पहले की तुलना में हमारे तारे की छवियों को लेते हुए सूर्य और सौर हवा का अध्ययन करने के लिए बनाया गया है। इसी प्रक्रिया से सौर मंडल की 250 मिलियन किलोमीटर दूर की तस्वीर ली गई है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ठोको। ऐसे ही फैक्ट की, साइंस की और स्पेस की वीडियो को देखने के लिए हमारे दी एवरीवन हियर चैनल को सब्सक्राइब करो और बाजू वाले घंटे को अपने मंदिर का घंटा समझ के दबा दो, क्योंकि नए वीडियो का संदेश सबके पहले आपके मोबाइल में है। और आपके भेजे में जो भी सवाल गूंज रहा है वो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखो या इंस्टाग्राम पे लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई होगी उस पे जाओ और मुझे फॉलो करो और डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हो। ये वीडियो आपके परिवार, दोस्त और गर्लफ्रेंड को भी शेयर कर देना। और दूसरा कुछ तो है ही नहीं कहने के लिए, तो जय हिंद, जय भारत।